बीजेपी के जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म होगी और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि कन्नौज की सीट पर ऐसा क्या हो रहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद अखिलेश यादव को खुद इस सीट से उम्मीदवारी करनी पड़ी, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्नौज की सीट के समीकरण के साथ उन वजहों के बारे में जिसकी वजह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पहले तो अपने भतीजे तेज प्रताप यादव का टिकट काटना पड़ा और खुद विधायक होने के बावजूद सांसदी के चुनाव में उतरना पड़ा। अपने इस कदम से अखिलेश यादव दुविधा में भी होंगे। वजह यह है कि यूपी में एक बड़ी बहस हो रही है, बहस ये कि उन्हें लोकसभा की राजनीति करनी चाहिए या विधानसभा की। क्या है ये बहस, स्विच एक्सप्लेन की इस वीडियो में ये भी बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस बात के ऐलान के बाद से ही ये सीट हॉट सीट हो गई। हॉट सीट इसलिए क्योंकि इस सीट पर कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने भतीजे तेज प्रताप यादव को बतौर कैंडिडेट उतारा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव को अपना फैसला बदलना पड़ा और इस सीट पर किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारने के बजाय खुद इस सीट से उतरने का फैसला किया। इस बात को लेकर कई सवाल हैं। पहला ये कि तेज प्रताप यादव की टिकट क्यों काटी गई, दूसरा ये कि अखिलेश को खुद चुनावी मैदान में क्यों आना पड़ा, तीसरा ये कि अखिलेश यादव जो खुद एक विधायक और नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या वो बतौर विधायक एक सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं और अगर लड़कर जीत जाते हैं तो क्या होगा। इसके अलावा एक जो बहस है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच जो अखिलेश यादव की राजनीति पाला बदल रही है, इससे समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव के भविष्य पर क्या असर होगा। इन सारे ही सवालों का जवाब वीडियो में आपको एक एक कर देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि तेज प्रताप यादव की टिकट क्यों काटी गई। अभी सीट के पूरे चुनावी चकल्लस की जड़ है इस सीट पर तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी। 22 अप्रैल को तेज प्रताप यादव का नाम कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि तेज प्रताप के नाम की घोषणा के साथ ही कन्नौज में कार्यकर्ताओं में नाराजगी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब सपा के जिलाध्यक्ष सौरीख में कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे तो वहां सपा कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष वसीम खां में तीखी नोकझोंक तक हो गई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि जिलाध्यक्ष ने कन्नौज सीट की सही रिपोर्ट अखिलेश यादव के पास नहीं भेजी, वरना वो खुद चुनाव लड़ते। इस सीट पर उम्मीदवारी की जब बात चल रही थी तब भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि इस सीट से अखिलेश यादव का ही नाम सामने आएगा। ऐसा क्यों वो भी बताएंगे, लेकिन पहले तेज प्रताप के टिकट कटने की बात को पूरी कर लेते हैं। खैर, तेज प्रताप के नाम को लेकर शुरू हुए विवाद में जब राजनीति तेज होने लगी तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि सपा के घोषित प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का कन्नौज से कोई लोकल कनेक्ट नहीं है। यहां का कार्यकर्ता सीधे अखिलेश यादव के टच में है और वो पार्टी मुखिया से ही जुड़ा रहना चाहता है। ऐसा इसलिए ताकि यूपी की सत्ता में सपा के आने पर कार्यकर्ताओं को मजबूती मिल सके। चर्चा ये भी हो रही है कि सफाई परिवार के सदस्यों में कन्नौज के लोग या तो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं या फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव को। इसके अलावा एक और बात रिपोर्ट्स में दर्ज की गई कि 22 अप्रैल को तेज प्रताप यादव का नाम घोषित करने के बाद ही 23 अप्रैल को ही कन्नौज में उनका एक कार्यक्रम तय किया गया था। इसके लिए सभी तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन आंतरिक विरोध के डर से तेज प्रताप यादव कन्नौज नहीं पहुंचे। इसके उलट कन्नौज से सपा कार्यकर्ताओं का एक डेलीगेशन लखनऊ के लिए उसी दिन रवाना हुआ जो बीते 2 दिनों से अखिलेश यादव को कन्नौज सीट का फीडबैक दे रहे थे। अब यहां दूसरा सवाल आता है कि अखिलेश यादव ने किसी और नेता को उतारने के बजाय खुद इस सीट से उम्मीदवारी का फैसला क्यों लिया। अगर आपको ये समझना है कि अखिलेश यादव खुद इस चुनावी मैदान में क्यों आए, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस सीट का इतिहास क्या रहा, यानी समीकरण कैसा है। ये सीट सपा और अखिलेश यादव के लिए कितना मायने रखती है। देखिए, कन्नौज की सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या करीब 18 लाख की बताई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता होने की बात भी कही जाती है, जिसमें मुस्लिम, यादव और दलित वोटर्स की संख्या 2.5-2.5 लाख के करीब बताई जाती है। साल 1998 से लेकर 2019 तक इस सीट पर कुल 8 लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 7 बार यहां समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और 6 बार तो परिवार को ही जीत मिली।
पहली बार मुलायम सिंह यादव ने इस सीट को जीतने के बाद इसे बेटे अखिलेश यादव के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव यहां से 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम बन गए तब उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को ये सीट सौंप दी, जिसके बाद साल 2019 तक डिंपल यादव यहां से 2 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंची। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब डिंपल यादव बीजेपी के नेता से हार गई तो लोगों की आखिरी उम्मीद अखिलेश यादव से ही लगी कि वो ही अब इस सीट को बचा सकते हैं, क्योंकि डिंपल की हार केवल 12,353 वोटों से हुई। तो कार्यकर्ताओं के साथ सपा के वोटर्स को भी उम्मीद लग गई कि डिंपल यादव के बाद अखिलेश यादव ही हैं जो इस सीट को वापस से सपा की झोली में ला सकते हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ एक सवाल भी आता है कि केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति में एक्टिव रहने वाले अखिलेश यादव किस राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और खासकर अगर वो इस बार सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं तो विधायकी का क्या होगा। देखिए, अगर अखिलेश यादव इस सांसदी के चुनाव को जीत जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल यादव के पास जा सकता है। अगर चुनाव अखिलेश जीत जाते हैं तो अगले विधानसभा चुनाव तक वो दिल्ली में एक्टिव रहेंगे, लेकिन साल 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके आने से पहले इस्तीफा देकर हो सकता है फिर से विधानसभा के चुनावी मैदान में आ जाए। कुछ ऐसा ही उन्होंने साल 2012 में किया था, तब उन्होंने कन्नौज की लोकसभा सीट से डिंपल यादव को उतार दिया था और वो चुनाव भी जीत गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा ये भी हो चल रही है कि अगर चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीटें जीत जाते हैं और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है तो वो कन्नौज लोकसभा सीट जीतकर इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद यहां बाई इलेक्शन करवाकर परिवार के किसी सदस्य को इस सीट पर लॉन्च कर सकते हैं। खैर, ये तो बस एक कयास ही है, होता क्या है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। साल 2012 से 2017 तक यूपी के सीएम होने के बाद अखिलेश सीएम की कुर्सी के आसपास 2 बार से नहीं पहुंच पाए। ऐसे में यूपी में एक बड़ी बहस ये हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसे कद के नेता का सामना करने के लिए अखिलेश को यूपी की विधानसभा की राजनीति करनी चाहिए। नेताजी के नाम से मशहूर रहे मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यूपी में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। ऐसे में जमीन पर संगठन मजबूत करने से लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिहाज से यूपी में अखिलेश यादव का कद कोई छोटा नहीं है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के समर्थकों का। हालांकि अगर वो विधानसभा की राजनीति करते हैं तो बीजेपी के 400 पार वाले कैंपेन में जो एक एक सीट की अहमियत है उसमें कन्नौज समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलने का डर है। इसी दुविधा में पड़े अखिलेश ने फिलहाल यूपी की राजनीति छोड़कर संसद पहुंचने की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। देखने वाली बात ये होगी कि अगर वो सांसदी का चुनाव जीत कर दिल्ली आ जाते हैं तो इसका यूपी की राजनीति से लेकर समाजवादी पार्टी के कैडर और भविष्य में इस पार्टी को मिलने वाली सीटों पर क्या असर पड़ता है। देखने वाली बात ये भी होगी कि अगर अखिलेश संसद पहुंच जाते हैं तो यूपी के सीएम की कुर्सी के वो करीब पहुंचेंगे या इससे दूर चले जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या बतौर सांसद दिल्ली की राजनीति का भाग होना चाहिए? इसके अलावा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज लोकसभा सीट में जिस तरह से बीजेपी ने पिछली बार चुनाव में सेंधमारी की थी, क्या वो सिलसिला इस बार भी जारी होगा? क्या फिर से अखिलेश यादव इस सीट पर जीत दर्ज कर सपा को वापस से इस सीट पर ला पाएंगे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो स्विच को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें।